सपनों का, एक महल हो सपनों का। मीनू क्या कर रही हो? कुछ नहीं, तो चलो ना शॉपिंग करने जाते हैं। मुझे नहीं आना। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, वरना तुम इस तरह से बात नहीं करती। बताओ क्या हुआ? अगर कहूंगी तो भी क्या फायदा? पहले तुम बताओ तो सही, बाद में मैं तय करूंगी कि फायदा है या नहीं। मुझे आज पता चला कि मेरी इस घर में क्या अहमियत है। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? किसी ने कुछ नहीं कहा, यही तो प्रॉब्लम है। क्या नहीं कहा? मीनू साफ साफ बताओ ना, बात क्या है? सोनल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने ये कैसे तय किया कि तुम्हारे बच्चे का नाम निरुदित रखेगी और मैं नहीं? अच्छा, तो ननन जी इस बात से नाराज है? हाँ। तुम भी ना छोटी छोटी बातों में रूठ जाती हो। अरे बाबा, नीलू दीदी नाम नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? वो बुआ है। तो मैं बुआ नहीं? मेरा मतलब है वो बड़ी है। सो व्हाट, अगर वो बड़ी है और मैं छोटी हूँ तो मेरा हक कम हो जाता है? हे भगवान, अब इस लड़की को कौन समझाए? मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे बुरा लगा है, बहुत बुरा। ठीक है, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। मुझसे क्यों पूछती हो? अरे तुमसे नहीं पूछूंगी तो किसे पूछूंगी? बताओ क्या करूँ मैं अब? तुम्हारे बच्चे का नाम मुझे रखने दोगी? फिर नीलू दीदी को बुरा लगेगा तो? सोच लो, दोनों में से एक को तो नाराज करना ही पड़ेगा। तुम डिसाइड कर लो किसे। ऐसा मत करो मीनू प्लीज, मैं दोनों में से किसी को भी नाराज नहीं कर सकती। आइडिया, तुम ट्विंस को जन्म देना, एक का नाम नीलू दीदी रखेगी, एक का नाम मैं रखूंगी। ट्विंस? ना बाबा ना, पन्ना भाभी जिस तरह से दोनों का हैंडल करती है वो वही जानती है। पूरा दिन दोनों के पीछे भागती रहती है, इसलिए ट्विंस तो बिल्कुल नहीं। तो और कोई चारा नहीं है? ए मीनू, एक रास्ता है मेरे पास। क्या? देखो, तुम्हें जो नाम पसंद आए वो तुम रखना, और नीलू दीदी को जो नाम पसंद आए वो रखेगी। नॉट अ बैड आइडिया, लेकिन उससे बुलाएंगे किस नाम से? जिसे जो पसंद हो उसे बुलाए। नहीं नहीं, आने वाला बच्चा तो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा बेचारा। इसका भी रास्ता है मेरे पास। क्या? तुम दोनों अपने अपने तरीके से नाम रखो। हाँ। लेकिन सब लोग उसे उसी नाम से बुलाएंगे जब मैं रखूंगी। नाम तो मैं ही रखूंगी, समझे? ये कोई टाइम है आने का? मैंने आपसे कहा था 10:30 बजे ऑफिस में रिपोर्ट करना है। कितने बज रहे अभी? सिर्फ 10:35। देखो पारो, मैं टाइम का बड़ा पाबंद हूँ, मेरा एक मिनट भी कोई वेस्ट करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सर, पिछले 10 मिनट से मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप फोन पर बात कर रहे थे। मतलब तुम कहना चाहती हो कि मैं फोन पे गप्पे लगा रहा हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा सर। अरे थोड़ी तारीफ क्या कर ली आपकी, आप तो सर पे चढ़ने लगे, उल्टा सीनियरों को जवाब देने लगे। सॉरी सर। मैंने आपसे एक सेल्स फाइल मांगी थी, कहाँ है वो? यू मे गो नाउ। सोनल, तुम्हें कैसा लगता है? कैसा मतलब? मतलब तुम माँ बनने वाली हो ना, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ऐसे नहीं, मतलब दिल में कैसे ख्याल आते हैं? पता नहीं, वो ऐसा लगता है जैसे वो नहीं हो, I don't know, I can't tell you कि मुझे कैसे लग रहा है, लेकिन एक अनोखी फीलिंग आती है। अच्छा, अब तुमने तुमने अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? तुम उसे क्या बनाना पसंद करोगी? उसे जो बनना होगा वो खुद ही डिसाइड करेगा। फिर भी कुछ तो सोचा होगा। मैंने सोचा है कि उसे एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। पता है, मेरी तो इच्छा थी कि ये बेबी मिलेनियम बेबी हो, लेकिन फिर पन्ना भाभी ने मुझे बताया कि इन सब बातों का कोई मतलब नहीं होता, मेन चीज होती है उसे अच्छा इंसान बनाना। हाँ, वो बात बिल्कुल सही है। खुशी तो मुझे इस बात की हो रही है कि दादी माँ की अंतिम इच्छा को मैं पूरी कर सकूंगी, उन्होंने जो विश्वास मुझ पर रखा है वो मैं निभा सकूंगी। सच, आज अगर दादी माँ जिंदा होती ना तो वो कितनी खुश होती है ना? खुश? अरे नीलू दीदी, उन्होंने तो हंगामा खड़ा कर दिया होता, पता नहीं अब तक तो उन्होंने क्या क्या कर डाला होता।
कोई प्रॉब्लम नहीं, हंगामा तो हम लोग भी करेंगे। तुम देखना, तुम्हारी गोद भराई की रस्म है ना, हम लोग ऐसे करेंगे कि जैसे इस घर में पहले कभी ना हुई होगी। पारो, वो तुम्हारी सेल्स फाइल लाओ, मुझे हिसाब टैली करना है। परसों तो आपने हिसाब टैली किया था सर। तो क्या मैं हिसाब टैली वापस नहीं कर सकता क्या? जरूर कर सकते हैं सर, लीजिए। इसमें 20 और 25 तारीख का हिसाब नहीं है। फिफ्थ पेज पर है सर। इसमें कोई पेज 5 नहीं है। आप देखिए तो सही, इसी में है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अब आप फाइल देखे बिना ही मुझे कहेंगे कि पांचवा पन्ना नहीं है तो मैं क्या समझूं सर? अच्छा ये देखो, क्या हुआ सर? कुछ नहीं, तुम जाओ। आप तो हैरान हो गए होंगे ना कि पांचवा पन्ना तो आपने फाड़ दिया था, वापस कहां से आ गया है ना? मैंने कोई पन्ना नहीं फाड़ा है। चलिए आपने ना सही किसी और ने फाड़ दिया होगा, लेकिन इतना तो जरूर तय हो गया ना कि मुझे परेशान करने के लिए किया गया था। इनफैक्ट मैं मेरे हर रिकॉर्ड्स की दो दो कॉपियां रखती हूँ, जो अक्सर मुझे ऐसे मौके पर काम आती है। ये तो बिजनेस की बारीकियां हैं जो सीखनी जरूरी है, और सीनियर होने के नाते अकलमंदी ज्यादा हो ये जरूरी तो नहीं है सर। एनीवे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। गुड डे सर। अरे माँ, तुम? हाँ बेटा, तुझसे ही मिलने आई हूँ, तुझे थैंक यू कहने आई। किस लिए माँ? तेरी ही कोशिशों की वजह से अभय और सोनल फिर से एक हुए हैं, और आज इस घर में इतनी खुशी का अवसर आया है। वो तो माँ तुम्हारा आशीर्वाद था, इसलिए तूने ही सच करवाया। तो अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तुम भी क्या माँ। बेटा अब एक बात का ख्याल रखना, तुम्हें सोनल का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें तो याद है ना उसके साथ पहले भी एक हादसा हुआ था। तुम सच कह रही हो माँ। तो बस तुम उसका बहुत ध्यान रखना, और अपना भी। अब मैं चलती हूँ। रुको माँ, थोड़ी बातें तो करती जाओ। अब मुझे जाना चाहिए, मगर ये जरूर याद रखना कि अब कोई मुसीबत सोनल पे ना आए। मैं चलती हूँ। माँ, माँ रुको माँ। आप मुझे मेरे कमीशन देने से इनकार कैसे कर सकते हैं? मैंने 60,000 के गुड्स बेचे, उसके 10% के हिसाब से मुझे 6,000 रुपए मिलने चाहिए। लेकिन आपने 60,000 का माल बेचा ही नहीं, तो कमीशन किस बात का? शर्मा, आखिर मामला क्या है? सर, इनका कहना है कि इन्होंने 60,000 का माल बेचा। आप ही बताइए, कोई भी सेल्समैन या सेल्स वूमन इतने कम टाइम में, वो भी घर घर जाके 60,000 का सेल करना? सर, इट्स इम्पॉसिबल। तुम्हारा क्या कहना है? सर, मैं मानती हूँ कि इतने सारे गुड्स घर घर जाकर बेचना पॉसिबल नहीं है। लो, खुद ही कह रही है पॉसिबल नहीं है। आप मेरी पूरी बात तो सुनिए सर। मैंने एक आदमी को अपना प्रोडक्ट बेचा, उसे पसंद आया, उसने मुझे ये कहा कि उसे अपने कंपनी के फंक्शन में सबको ऐसे गिफ्ट देनी है। मैंने कहा कि जाकर डायरेक्टली हमारी एजेंसी से बात कीजिए और मेरा नाम दीजिए। सुना आपने सर, पार्टी डायरेक्ट हमारे पास आई है। हाँ, लेकिन वो आई है तो मेरे थ्रू ही ना, और मेरे कारण जो सेल हुआ वो हुआ। इनकी बात ही गलत है। क्या गलत है, हर कंपनी में यही तो होता है। मतलब आप कहना चाहती है कि हमारी एजेंसी बेईमान है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, प्लीज आप बात को घुमाने की कोशिश मत कीजिए। सर सर देखा, नई नई आई है और इनके तेवर तो देखिए। आरू, तुम इस पार्टी का कंफर्मेशन ले आ सकती हो? जी सर, मैंने उन्हें फोन भी किया था, लेकिन पार्टी एक महीने के लिए आउट ऑफ स्टेशन है। सर, ये पकड़ी ना जाए इसलिए ये बहाने बना रही है। नहीं सर, उनके आते ही मैं आपकी उनसे बात करवा दूंगी। सर, मुझे तो लगता है ये पार्टी भी इनसे मिली हुई है। इन्होंने कहा होगा कि ऑर्डर मुझसे करवाइए, कमीशन के 6,000 में से 3,000 आपके। What nonsense? तुम्हें तो बैठे बैठे 3,000 मिल जाएंगे और वो कंपनी को 3,000 का प्रॉफिट। Now this is too much. मुझे बेईमानी के पैसे कमाने का शौक नहीं है और आता भी नहीं है। Enough. ये बहस अब यही खत्म करो। पारू, एक डेढ़ महीने बाद जब पार्टियां आए तब मुझसे बात करवा। लेकिन सर, अभी मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। देखा सर, इसीलिए झूठ बोल के कमीशन। Stop it, शर्मा। पारू, आई एम सॉरी। सर, आप ये कह रहे हैं? मुझे जब तक कंफर्मेशन नहीं मिले, मेरे लिए शर्मा की बात सही है। ठीक है,
तब मुझे नानावटी कंपनी को एक लेटर लिखना पड़ेगा कि आपकी एजेंसी से मुझे कमीशन के पैसे नहीं मिल रहे हैं। हाँ हाँ, जाओ कंप्लेन करो। ठीक है। चले आते हैं मुंह उठाकर। सर आप चिंता ना करें, ये कोई कंप्लेन वम्प्लेन नहीं करने वाली, सिर्फ धमका रही है ताकि हम डर जाएं। और अगर कंप्लेन आई भी तो मैं संभाल लूंगा। वाओ, थैंक यू अभय, तुम्हें कैसे पता चला आज मुझे चॉकलेट खाने का मन हुआ है? टेलीपैथी? जाओ फेंको मत। अरे सीरियसली? जाओ ना, आज तक तो कभी टेलीपैथी हुई नहीं, आज अचानक कैसे हो गई? तुम चॉकलेट खाओ ना, रैपर क्यों गिनती हो? अरे वाह, क्या कहावत है। एक्चुअली सोनल, मैंने आज एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें कुछ टिप्स लिखी थी कि पत्नी के प्रेगनेंसी के दौरान पतिदेव को क्या क्या ख्याल रखने चाहिए। तो क्या उसमें ये भी लिखा था कि उसे चॉकलेट्स खिलाने चाहिए? बिल्कुल, उसमें लिखा था कि ऐसे दिनों में औरतों को चटपटी चीजें खाने का मन होता है, चॉकलेटों खाने का मन होता है, इसलिए मैं चॉकलेट लेके आया। हाउ स्वीट अभय, तुमने मेरे लिए वो आर्टिकल पढ़ा, वरना कई लोग ऐसे होते जो ऐसे आर्टिकल पर नजर भी नहीं डालते। अरे अच्छा पति साबित होना है हर पति का फर्ज है। तालियां तालियां तालियां। अब एक इम्पोर्टेंट बात, तुम बिल्कुल काम नहीं करोगी और भाग दौड़ नहीं करोगी, ओके? वजन नहीं उठाऊंगी, सीढ़ियां नहीं चढ़ूंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अरे वाह, ये सब कुछ तुम्हें पता है? पता है, जबानी याद है, जो भी आता है यही कहता है। अरे आज प्रमिला मौसी आई थी, उन्होंने भी आते ही शुरू कर दिया। मैंने उनको तुरंत बोला कि मौसी जी मुझे सब पता है, फिर भी उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने माजी को कहा सोनल को ये मत करने देना, वो मत करने देना। बाप रे। कुछ लोग कितने एक्साइट हो जाते हैं। माजी ने आकर मुझे कहा ये प्रमिला अपने आप को समझती क्या है, मैंने 6 बच्चों को पैदा किया है, क्या मुझे पता नहीं होगा? लेकिन हाइट तो ये है अभय कि पारो भाभी, पन्ना भाभी, रश्मि भाभी, इन सब की प्रेगनेंसी के वक्त मौसी जी ने माजी को सब समझाया था। अपने रिश्तेदार भी एक से एक आइटम है। अच्छा ये तुमने ये पारो भाभी को बताया कि नहीं? ओह नो। अरे कमाल करती हो सोनल। I'm sorry, मैं बिल्कुल भूल गई। तुम्हारी और पारो भाभी की अच्छी जमती है, फिर भी तुम पारो भाभी को भूल गई? तुम्हें बता देना चाहिए था ना। अरे मुझे लगा तुमने बताया होगा। I'm sorry, मैं खुद भूल गई। मैं ऐसा करती हूँ, आज ही उनको मिलने चली जाती हूँ। Okay. टू सनत भैया। टू मिस्टर सनत नानावटी, मैं आपके प्लास्टिक प्रोडक्ट के एजेंट मिस्टर सानिग्रह के वहाँ एज अ सेल्स वूमन काम करती हूँ, और मेरी ये उनके खिलाफ कंप्लेंट है कि वो मेरा कमीशन देने से इनकार कर रहे हैं। मैं आपसे फरियाद इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपकी कंपनी के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, और मुझे विश्वास है कि आप अपनी कंपनी के लिए काम करते किसी भी आदमी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मेरा नाम सरला मेहता है। मैं जानबूझकर अपना नाम गलत लिख रही हूं ताकि बाद में मेरे सीनियर ऑफिसर्स की वजह से मुझे परेशानी ना हो। प्लीज आप मेरी फरियाद पे ध्यान दें और जरूरी कदम उठाएं। पारो भाभी। सोनल, सोनल, कैसी आप? कैसी लग रही हूँ? एकदम फिट है ना? समीर भैया कैसे आप? तुम बताओ तुम कैसी हो? ठीक हूँ। अचानक यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? अचानक नहीं, जानबूझकर भूली हूँ। अच्छा, आपको एक खुशखबरी सुनानी है। क्या? आप पहले समीर भैया के पास बैठिए। क्यों, क्या बैठी है ना? अरे बताओ सही क्या हुआ? एक मिनट,
अरे क्या कर रही हो? भाभी मुझे आशीर्वाद दीजिए, दादी माँ की इच्छा पूरी होने जा रही है। सनम एक मिनट तुम बैठो, यहाँ ये लो मुंह मीठा करो। इतनी अच्छी खबर सुनाई है तुमने ना समीर। देखो सुना समीर मुस्कुराए, कितने दिनों के बाद मैंने उसको, सच में सुनल तुम्हारा आने वाला बच्चा बहुत ही लकी है। थैंक यू भाभी। एक मिनट रुको, हेलो शगुन के हैं। इसकी क्या जरूरत है? शगुन के हैं, मना नहीं करते। लेकिन भाभी तुम्हें तो ये लगता होगा ना कि पारो भाभी वैसे मुश्किल में है और ऊपर से ये पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन तुम्हारी जेठानी उतनी गरीब भी नहीं है कि तुम्हें शगुन न दे सके। ऐसी बात नहीं है भाभी, मेरे लिए तो आपके आशीर्वाद ही काफी है। वो तो हमेशा ही तुम्हारे साथ है, लेकिन सोनल तुम बात बदल गई हो और शायद मैं भी। क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुमने जब आज मेरे पैर छुए ना तो मुझे ऐसा लगा जैसे तुम बहू बन गई, जैसे हम देवरानी जेठानी नहीं है सास बहू है। मुझे सडनली ऐसा लगने लगा कि मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूं, लेकिन अब तुमने पैर छू ही लिए हैं तो आशीर्वाद भी ले दी जाओ। अष्टपुत्रा भव, 8 क्यों कम है तो शतपुत्रा भव। ओह माय गॉड, घर में आए हैं हम सपनों की वो दुनिया सच करने आए हैं। मैं घर के आंगन में कुछ सपने बोए हैं, कुछ मुरझाए कुछ पाए, कुछ पाकर खोए हैं। नए मौसम के रंग में हम फिर से आएंगे, एक महल नया हम तो बनाएंगे। एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का।